भारत माता के उद्घोष के बीच शहर की सड़कों पर निकला शौर्य पथ संचलन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गीता जयंती के अवसर पर रविवार को भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के बीच शौर्य पथ संचलन किया। कई स्थानों पर पथ संचलन में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। शौर्य पथ संचलन से पहले आयोजित कार्यक्रम में बजरंग दल के केंद्रीय मंत्री अवनीश का मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्यमी आलोक स्वरूप और संचालन भूपेंद्र एडवोकेट ने किया। इसके बाद एसडी कॉलेज से पथ संचलन से शुरू होकर प्रकाश चौक, महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, हनुमान चौक, चुंगी नंबर 2, नावल्टी चौक, शिव चौक, झांसी किरानी, जिला परिषद से होते हुए वापस इंटर कॉलेज में समाप्त हुआ। पथ संचलन में शामिल लोग हाथों में भगवा ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। पथ संचलन का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ठाकुर भूपेंद्र सिंह एडवोकेट, प्रांत मंत्री धर्म प्रसार, विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत। पता जो आज कार्यक्रम था, किस तरह कार्यक्रम था? आज जनपद लक्ष्मीनगर मेरठ प्रांत के अंतर्गत बजरंग दल के बैनर पर शौर्य पथ संचलन का कार्यक्रम संगठन द्वारा किया गया। देश भर में गीता जयंती के अवसर पर 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बजरंग दल के बैनर पर शौर्य पथ संचलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज अपने जनपद में भी ये शौर्य पथ संचलन का कार्यक्रम बजरंग दल द्वारा आहूत किया गया। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, कहाँ पे इसका समापन? ये कार्यक्रम एसडी इंटर कॉलेज निकट रोडवेज से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मुख्य चौराहे जैसे प्रकाश चौक, महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक होते हुए भगत सिंह रोड, नावल्टी चौराहा और झांसी रानी, पुणे एसडी इंटर कॉलेज में इस पथ संचलन का समापन हुआ। लगभग इसमें कितनी भीड़ हुई? 1.5-2 हज़ार संख्या के अपने बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता आज इस पथ संचलन में शामिल हुए।